सो हे गाइस, वेलकम बैक। सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं टाइम वेस्ट करे बिना आपको बताने जा रही हूँ कि नहारी की रेसिपी क्या है और जो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ। वैसे तो ये नॉर्मल ही है सब, इसमें कोई भी मेहनत या कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहारी है निहारी कि निहारी है और हमें नहीं आ रही बनानी कोई टफ रेसिपी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो गाइस आ जाइए, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है, ये बोंग का गोश्त है, आप देख सकते हैं 1.5 किलो है। और गाइस यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची ले ली है, साबुत है, आप पीसी भी ले सकते हैं। सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, मोटी इलायची है और हरी इलायची है और जावित्री है, दालचीनी है और ये जायफल है। तो गाइस ये जायफल, और यहाँ पर हमने सौंठ ले ली है अदरक की, जिसको हमने पीस रखा है पहले से, पाउडर है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ले लिया है। तो गाइस अब हम इन सब का पेस्ट बनाएंगे, इसको हम अलग पीस लेंगे, इसको हम अलग पीस लेंगे। और गाइस इसके अलावा यहाँ पर हमने कटे प्याज ले लिए हैं, इससे ग्रेवी थिक होगी। गाइस हम जैसा आपने सुना होगा कि आटा वगैरह मिलाते हैं, तो गाइस मैं आटा नहीं, मैं चने मिलाती हूँ, चने बेसन भी नहीं, मैं खास चने जो होते हैं खिले हुए, मैं उसका पाउडर बनाकर इसमें डालती हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाऊँगी, लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, और इसमें दही भी जाएगा। तो गाइस अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो गाइस जब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं, इसमें हम कुकर में अपना तेल ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी निहारी बनाने के लिए। तो गाइस मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, और तेल इसमें कंजूसी नहीं करना गाइस, निहारी में तेल जाएगा ही जाएगा। ओके गाइस, और मैं थोड़ा और ले रही हूँ जो कम लग रहा है। तो गाइस मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है, इसको हम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम प्याज जो है कटे वो फ्राई करेंगे। सो गाइज हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अपने कटे प्याज डालेंगे, ये देखिए। तो गाइज प्याज जो है ग्रेवी के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए डाल देंगे हम। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने अपनी प्याज डाल दी है, और गाइज इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, और ताकि इससे अच्छी हमारा पेस्ट बने, और नहरी का टेस्ट इसी में ही है गाइज, ये देखिए। तो गाइज कोई ज़्यादा हार्ड रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बहुत ईजी है, झटपट घर में बनकर रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। तो गाइज गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करना है। तो गाइज हमारी प्याज जो है एकदम भुनकर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइज अब मैं इनको निकाल रही हूँ अलग बर्तन। तो गाइज मैंने प्याज निकाल ली है अपनी, अब ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैंने पीस लिया था अपने मिक्सर में, और गाइज मैंने 2-4 प्याज पड़े रहने दिए हैं ऐसे ही, और अब ये देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैंने डाल दिया अपने अदरक लहसुन का पेस्ट गाइज, इसको अच्छे से भून लेंगे गाइज। तो गाइज हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें अपना बोंग का गोश्त शामिल कर देंगे, ये देखिए। ये गाइज नली भी ली है हमने एक, और ये हमारा बोंग का गोश्त इसमें हमने ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइज। इसके बाद गाइस हम इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो गाइस अब हम इसमें अपना धनिया ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, ये देखिए। इसके बाद गाइस हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। गाइस हल्दी पाउडर डालने का हमारा मोटिव ये है कि इसकी जो स्मेल है वो निकल जाती है, वरना नहरी में हल्दी जो है ज़्यादा डलती नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ नॉर्मली गाइस। और इसके बाद गाइस हम इसमें अपना थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, नमक आप गाइस अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं, स्वाद अनुसार जो भी आपका टेस्ट हो। इसके बाद गाइस हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस अभी हम इसको 2 मिनट भूनने देंगे, फिर बाकी के मसाले हम तब ऐड करेंगे इसमें। गाइस देखिए अब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। तो गाइस इसके बाद हम अपने और मसाले जो बाकी के थे, मैंने पेस्ट बना लिया था उनका, इसमें सब है वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, सब सूखे मसाले हैं, आप चाहे तो सूखा पीस सकते हैं गाइस, पर मैंने पेस्ट बना लिया है, इस
इसमें कुछ नहीं होता गाइस, पेस्ट डाल लिया आप या सूखा हुआ आपकी मर्जी है। तो गाइस मैंने फ्रेश मसाला बनाया था अभी, आप चाहे तो पहले ही बनाकर रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं सेम रेसिपी सेम मसाला। अब गाइस हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गाइस अब हम इसको भूनते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट ऐसे ही भूनेंगे हम बिना बन के। तो गाइस मैंने अब इसमें सीटियाँ लगा ली हैं 6, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। माशाल्लाह गाइस, तो देखिए गाइस ये पक चुका है। अब गाइस हम जो इसके ऊपर जो ये तार आया है ये सबको हम उतार लेंगे कुछ इस तरह से, उतार के सब बर्तन में कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हमने इसका तार अलग कर लिया है, तरी है जो हमने इसको निकाल कर अलग कर ली है। तो गाइस अब हम इसमें अपनी ये पीसी प्याज मिक्स करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई की थी, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे। तो गाइस मैं इसमें आटा यूज़ तो नहीं करती हूँ पर आप देख लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे गाइस। और गाइस देखिए मैं आपको उसकी बोटी दिखा देती हूँ, ये देखिए वो गर्म है गाइस, ये देखिए बिल्कुल एसी गल जाए तब तक बोटी। तो आप गाइस जब तक ऐसे बोटी बिल्कुल गल जाए आप तब तक इसको पकाइए। देखिए कितनी प्यारी छूट रही है ये बोटी, बहुत प्यारी छूट रही है गाइस, ये देखिए नहारी की बोटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो हाथ में आते ही टूट जाए। ओके गाइस, तो ये हमारा गोश्त गल चुका है बिल्कुल बढ़िया से, देखिए वाओ ब्यूटीफुल माशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे पकाते हैं 5 मिनट। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपने चने पीस लिए, चने हैं गाइस और खिले हुए जो मैंने मिक्सर में पीसे हैं, मैं इसकी स्लरी बना लूँगी पानी ऐड कर कर, क्योंकि गाइस लम्ब्स रह जाएंगे इसलिए पहले हम स्लरी बनाएंगे तभी इसको हम अपनी निहारी में ऐड करेंगे। और पानी ऐड करेंगे गाइस, लम्ब्स नहीं रहने चाहिए गाइस, तो इसलिए अच्छे से हम इसको ऐड करेंगे। तो गाइस यूट्यूबर की एक यही परेशानी होती है कि कोई कुकिंग करते वक्त कि हमने पढ़ने वाला नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ बीच बीच में मेस हो ही जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेस क्या क्या है। तो गाइस ये लगभग मैंने 100 ग्राम चने लिए हैं, 100 ही ग्राम है शायद, मैं भूल गई, पर आप देख लीजिए आप अपनी आपको जितना ठीक चाहिए आप उस हिसाब से ले लीजिए चने। तो गाइस का गाढ़ी स्लरी बन गई है, अब हम इसको अपनी नहारी में ऐड करते हैं। चलिए तो गाइस अब हम इसको अपनी नहारी में ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल देखिए गाइस बिल्कुल ठीक हो जाएगा नहारी के, देखिए आप इसकी कंटेंसिटी देख सकते हैं आप, और हम इसको पूरा ऐड कर देते हैं इसमें। ये देखिए गाइस क्या ब्यूटीफुल कलर आया है बिल्कुल आपकी नहारी, ये देखिए ये पास से दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल वही गाढ़ी है जिसको हम 5 मिनट और कुक करेंगे। तो गाइस हमारी नहारी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा बना है ये हमारी इसकी ग्रेवी थिक। अब गाइस जो हमने इसकी तार उतारी थी ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, देखिए गाइस। तो अब मैं गाइस इसमें तार मिक्स करने जा रही हूँ, यही तो इसकी असली वो है। तो गाइस ये देखिए हमारी नहारी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, ये देखिए मैं आपको चला कर दिखा देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह गाइस क्या नहारी बनी है, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से। अब गाइस आप इसको सर्व कर सकते हैं मिर्ची और अदरक के साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस आप इसको मिर्च नींबू का सास सर्व कर सकते हैं, देखिए मैंने कट कर लिया है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। अब गाइस आप इसको नान के साथ लीजिए या किसी के भी साथ, ये बहुत टेस्टी बनी है। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।